अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद बनारस में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान मार्च करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही आला अधिकारी भी सड़कों पर रूट मार्च कर रहे हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए 3 महीने में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए या वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया है। हालांकि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह देने की अनुमति को स्वीकार कर लिया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर जिले को 4 जोन, 8 सेक्टर और 26 सब सेक्टर में बांट कर सुरक्षा व्यवस्था की कार्य योजना तैयार कर दी गई है। जोन की मॉनिटरिंग एडीएम व एडिशनल एसपी, सेक्टर की मॉनिटरिंग सीओ व एसडीएम और सब सेक्टर की मॉनिटरिंग एससीएम व इंस्पेक्टर के जिम्मे है। जिले में तैनात पुलिस बल के अतिरिक्त 5 कंपनी पीएससी और 4 कंपनी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात है। स्कूल कॉलेजों को सोमवार यानी कि 11 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिले की शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी थानेदारों से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस टीम के साथ भ्रमणशील पर रहे और माहौल पर नजर बनाए रखें। शहर की ऊंची इमारतों पर रूफटॉप फोर्स तैनात की गई है। पानी की टंकियों को वॉच टावर भी बनाया गया है। ड्रोन कैमरों से शहर के मिश्रित आबादी वाले इलाकों पे निगाह रखी गई है। सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर, बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट घोषित करके सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने का निर्देश आईजी विजय सिंह मीणा ने भी कहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जो 10:30 बजे आज अनाउंस हुआ और कल रात्रि से ही पुलिस पूरे बनारस में पूरी रेंज में और गश्त कर रही है, पिकेटिंग कर रही है और चौराहे चौराहे पर हम लोगों ने जो व्यापारी हैं और साथ ही साथ सिविल डिफेंस के लोग हैं, एसपीओज हैं, हमारे पुलिस मित्र हैं, उन सभी के सहयोग से गश्त की जा रही है, पिकेटिंग की जा रही है और सभी को समझाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी सड़क पर ना आए और कानून व्यवस्था बनाए रखे, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। और सभी लोगों का आज मैंने और कमिश्नर साहब ने पूरे जनपद में 3-4 थाना क्षेत्रों में राउंड लेकर देखा बनारस में और सभी जगह स्थिति सामान्य है। बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने निर्णय को स्वीकार किया है और पुलिस लगातार गश्त कर। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। देखते रहें Z News डिजिटल मीडिया। धन्यवाद।